वेलकम फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एलियासिस MySQL में होते क्या हैं, कि एलियासिस है क्या। तो बेसिकली हमने पिछले अपने ट्यूटोरियल में जब इन ऑपरेटर यूज़ किया था तो एलियासिस हमने उस समय आपको यूज़ करते हुए दिखाया था, अब तो आपकी समझ में तब आया नहीं होगा, लेकिन अब हम इसे यहाँ पे अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो देखते हैं एलियासिस होता क्या है। तो एलियासिस जो है हमारा किसी भी टेबल के लिए एक टेम्प्रेरी नेम हमें देता है, जो हमारा कॉलम्स के नेम्स को मोर रीडेबल करता है कि हमारी पढ़ने में आसानी हो, क्वेरी को अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि हमें उस क्वेरी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए हम एलियासिस का यूज़ करते हैं। और एलियासिस जो हमारा क्वेरी में होता है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है, वो मतलब कि हम क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की वो क्वेरी के लिए होता है, कहीं भी हमारा डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है कहीं भी, तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे हमारा एलियासिस होता है। तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि एलियासिस का सिंटैक्स, तो कॉलम के लिए होता है, सेलेक्ट कॉलम एज एलियासिस नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो ये हमारा एलियासिस होता है कॉलम के लिए कि हम एस हम लगा के एलियासिस बना सकते हैं। मान लीजिए कॉलम, हम कहते हैं कि कॉलम हमारी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा कॉलम का नेम है, तो हम उसे छोटा डिफाइन कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े नेम्स को, तो उनके लिए हमारा एलियासिस यूज़ होता है। अब हम आगे जाते हैं, हम इसे टेबल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा टेबल के लिए भी AS कीवर्ड लगा के यहाँ पे यूज़ होता है। मान लीजिए टेबल्स भी हमारे 4-5 टेबल हमारे किसी भी जॉइन के थ्रू, जब हम 3-4 टेबल को जॉइन करते हैं उसके थ्रू यूज़ हो रही है, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी टेबल है ये, हमें बार बार, अगर टेबल का नाम भी बड़ा है तो हमें बार बार उसे यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्वेरी में, तो हम एक स्पेसिफिक छोटा नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं एलियासिस के थ्रू और उसको यूज़ करते हैं और क्वेरी मोर रीडेबल हो जाती है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल इनका देख लेते हैं कि कॉलम में किस तरह से एलियासिस यूज़ होता है और किस तरह से हमारा यूज़ होता है किसके लिए, टेबल के लिए। तो यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर नाम जो है हमारे कॉलम्स के वो काफ़ी छोटे हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर भी हम एलियासिस का यूज़ करके आपको दिखाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के लिए एलियासिस दिखाते हैं, दो कॉलम के लिए, कि हमारा जो लास्ट नेम हम इस टेबल के सभी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम निकालेंगे, वो भी FN जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम एस LN। तो ये हमारे एलियासिस हैं। देखते हैं अब हमारा आउटपुट क्या आता है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। हमने एग्जीक्यूट, देखिए फर्स्ट नेम हमारा हो गया FN और लास्ट नेम हो गया LN। इस तरह से फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई छोटा ही एलियासिस रखें, हम कुछ अपना स्पेसिफिक रख सकते हैं, मतलब जो कॉलम है हमारी कॉलम नेम आ रहा है, हम कुछ उसे मोर रीडेबल बनाना चाहते हैं, मतलब हमारा जो फर्स्ट नेम हो उसको हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे रखना चाहते हैं हम स्टूडेंट लास्ट नेम। तो देखते हैं, तो कुछ हमने जो है यहाँ पे कॉलम नेम को चेंज कर दिया है, कॉलम नेम चेंज नहीं करना है हमें, एलियासिस चेंज करना है, ये हमसे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। और ये इस तरह से अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट लास्ट नेम, इस तरह से हमारे ये एलियासिस हो गए मोर रीडेबल फॉर्म में।
तो मेरे ख्याल से आपको जो कोलम के लिए हम एलियासिस यूज़ करते हैं उसका समझ में आ गया है कि कोलम के लिए कैसे यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम टेबल के लिए कैसे एलियासिस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो टेबल है हमारी एम्प्लॉय उसके लिए एलियासिस यूज़ करते हैं और उससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालेंगे। तो हम इसके लिए एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस ई वन एम्प्लॉय वन रख लेते हैं और ई वन का यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉलम में। ई वन डॉट फर्स्ट नेम और ई वन डॉट लास्ट नेम, एग्जीक्यूट करते हैं अब इसको। ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा ई वन एम्प्लॉय टेबल से आ गया निकल के। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो हमारा अगर हम सिंपल सिंपल सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हम निकालते तो सिंपल सिंपल यही रिजल्ट आना था, लेकिन इससे क्या हो गया कि अगर हम कोई और टेबल एम्प्लॉय डिटेल इसमें अगर हम अगले आने वाले ट्यूटोरियल में जॉइंस पढ़ेंगे उनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एलियासिस, अगर उसमें हमारा एम्प्लॉय टेबल का हम एक जॉइन ऑर्डर लगा दें तो उसे हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय अगर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन से एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम दिखा रहे हैं और कौन से की क्या वैल्यू फेच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एलियासिस यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे ई वन ले लेंगे और दूसरे में ई टू ले लेंगे और ई वन ई टू से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी कॉलम फेच कर रहे हैं और कौन सी की कंडीशन लगा रहे हैं बहुत ईजीली। तो हम इसी के साथ में अब हम अपना कॉलम का भी एलियासिस यूज़ करते हैं। एस फर्स्ट नेम एस लास्ट कैमल केस में मैं ले रहा हूँ लास्ट नेम, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरा यहाँ पे कॉलम में भी एलियासिस लग गया है और यहाँ पे टेबल में भी एलियासिस यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको और अच्छे से समझ में आ रहा है कि एलियासिस क्या है। तो अब हम एलियासिस यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे तो एलियासिस जो हमारा होता है वो बेसिकली जो यूज़ होता है टेबल में टेबल के लिए वो टेबल नेम के लिए वो हमारा अगर हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स यूज़ कर रहे हैं उनके लिए होता है, क्योंकि अगर हम एक टेबल यूज़ कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे कॉलम लगा सकते हैं कॉलम नेम लिख सकते हैं कोई एलियासिस जैसे ई वन डॉट फर्स्ट नेम ई वन डॉट लास्ट नेम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल हैं तो हम उनको मोर रीडेबल करने के लिए एलियासिस यूज़ करते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है। मान लीजिए हमारा फर्स्ट नेम हम एक एम्प्लॉय टेबल यूज़ कर रहे हैं और एक हम स्टूडेंट टेबल यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्लॉय टेबल और स्टूडेंट टेबल से हम उसमें भी फर्स्ट नेम है और इसमें फर्स्ट नेम है दोनों से अगर हम फैच करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कौन सा फर्स्ट नेम आ रहा है। तो उसके लिए हम एम्प्लॉय टेबल को ई वन रखते हैं स्टूडेंट टेबल को एस वन रखते हैं और दोनों से ई वन डॉट फर्स्ट नेम और एस वन डॉट फर्स्ट नेम हम निकाल सकते हैं उससे। तो ये हमारा जो है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है और फंक्शंस में के लिए यूज़ किया जाता है। तो फंक्शंस आने वाले कुछ ही ट्यूटोरियल में मैं फंक्शंस बताऊंगा आपको MySQL में फंक्शंस कैसे बनाते हैं कैसे यूज़ करते हैं उसमें समझ में आएगा। कॉलम्स जो बहुत बड़ी कॉलम्स नेम होते हैं उनको मोर रीडेबल करने के लिए अच्छे से रीड कर सकें अच्छे से हमें उनका नाम स्पेसिफिक नाम देते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम में कॉलम नेम एएस कीवर्ड यूज़ करके हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे फर्स्ट नेम या फिर FN हमने यूज़ किया था लास्ट नेम एएस कीवर्ड यूज़ करके LN लास्ट नेम यूज़ किया था। तो हम कॉलम्स को भी मोर रीडेबल बना सकते हैं और टू और मोर कॉलम्स हम कंबाइन करते हैं। यही मैंने आपको बताया कि कोई दो या दो से ज़्यादा कॉलम हम कंबाइन कर रहे हैं आपस में तो उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं एलियासिस। तो ये मोर यूज़ हैं यहाँ पे एलियासिस के और
दो या दो से ज़्यादा टेब जो कॉलम हम कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम टेबल्स से कंबाइन कर सकते हैं या हम एक ही कॉलम से कंबाइन कर सकते हैं। तो ये यूजेस हो गए हैं इसके, आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आई थिंक आपको टोटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी या कमेंट कर सकते हैं मुझसे, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया तो। और अगर समझ में आ गया और आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे से चैनल को। थैंक यू।